उससे पहले मैंने एक टियागो चला के देखी थी, एक डेढ़ घंटा चलाने के बाद जब मैंने वो वैगनर चलाई ना अपनी, मेरे को ऐसा लगा यार मतलब टाटा का तो ट्रैक्टर ही अच्छा है यार। अच्छा हाँ बट ठीक है, टाटा ओनर्स को वो नहीं ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा। इसमें ना हेडरेस्ट नहीं आते थे, हेडरेस्ट लगाए हैं इन्होंने बट यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं लगवाया। बेटा आपको सनरूफ वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी? एक बार मन करा था फ्रेंड इसको सनरूफ की गाड़ी चाहिए थी, अभी हमने सोनेट की टेस्ट ड्राइव भी ली और 8 लाख में ये इंजन आपको मिला है। भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो, जॉब क्लास को यही चाहिए, उसको गाड़ी में ना तो टाइम स्पेंड करना है ना ही फालतू पैसे खर्च करने हैं। मैं सही बोल रहा हूँ क्या सर? बिल्कुल सर बिल्कुल, यही सब मेरे क्राइटेरिया थे जब मैंने गाड़ी सिलेक्ट करी। देखो आज बात करेंगे सर्विस क्लास के लोगों की जिनके पास गाड़ी चलाने का टाइम नहीं होता, गाड़ी उनको कंफर्ट के लिए चाहिए होती है, जैसे कि कहीं जाना हो तब वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एंथुसियास्ट होते हैं कि उनको गाड़ी चलाना पसंद होता है वो चलाएंगे, ना उनके पास इतना टाइम है और ना उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी गाड़ी कई सालों में बहुत कम किलोमीटर चलती है। वैसा ही एक एग्जाम्पल है आज हमारे साथ। और दूसरी एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी में कुछ दिक्कत आती है तो उनका टाइम ख़राब होता है, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, उनकी सैलरी भी कट सकती है, कई बार ऐसा होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे अगर आप जॉब करते हैं तो। उनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो टेंशन फ्री चले, जिसकी मेंटेनेंस अच्छे से हो जाए, जिसमें फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो। ऐसी एक आज हमारे पास गाड़ी है, 10 लाख से नीचे नीचे की रेंज में वो गाड़ी कंप्लीट तैयार हो गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रॉन्क्स भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप हैचबैक नहीं लेना चाहते, लेकिन फ्रॉन्क्स के बाद का अच्छा ऑप्शन है आपके सामने ब्रेजा एलेक्सा ही खड़ी है। आज हमारे साथ है प्रिशा और अनुज जी आए हैं। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में और बहुत बहुत बधाई आपको नई गाड़ी के लिए। अनुज जी ने 7 साल वैगनार चलाई सिर्फ 25,000 किलोमीटर और ये बता रहे हैं कि जिस ओनर को मैंने दी थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन शोरूम जैसी कंडीशन में दी थी, इसका भी ऐसी हाल होगा? बिल्कुल सर। कितना चलाओगे इसको? 5,000 पर ईयर। 5,000 पर ईयर बहुत कम चलाओगे। वैसे ये गाड़ी कंपनी लीज पे है, इनको अच्छे प्राइस में भी मिली है। ऑन रोड आपको कितने की पड़ी? ऑन रोड थी 890 की। 890 की पड़ी आपको, और जो है थोड़ा अगर आप कंपनी लीज में नहीं ली होती आपने फिर कितने की पड़ती? नहीं ये 890 की पड़ती, वैसे मेरे को 8 की पड़ी है। 8 लाख में ब्रेजा एलेक्साई जो कि इम्पॉसिबल है अगर आप लेने जाओगे तो, इनको पड़ी। आपने कितना कुछ काम करवाया है ये बताइए आप। मैंने जैसे फोग लैंप्स लगवाए हैं, फुट मैट से लेके पार्सल ट्रे है, हाँ। और उसके बाद ये जितने भी कॉस्मेटिक्स अगर आप देखेंगे, साइड बीडिंग्स हैं और शीशे के ऊपर जो कवर है, ये सब मिला के मैंने 85 इंक्लूडिंग सीट कवर स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड 85,000 का काम करवाया है। अब इनकी गाड़ी अंदर से देखने में नहीं लग रही है कि ये एलेक्सा ही है, मारुति के बाद मारुति ही क्यों? देखिए एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि ठीक है यार मारुति चला ली है 7 साल और लेट्स एक्सप्लोर सम है ना डिफरेंट ब्रांड्स लाइक ह्यूंडई किया। ठीक है किया की सोनेट की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, गाड़ी बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी चल रही थी, उसका 1 लीटर का टर्बो इंजन। लेकिन फैमिली के साथ मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी तो उतरने के बाद बोले कि जो हमको बाहर से लुक के ऊपर जो आपको बोल रहे थे कि हमने ये गाड़ी लेनी है, अंदर से वैगनर जितना भी स्पेस नहीं है। अच्छा। तो दैट्स व्हाई इट वाज गॉट रिजेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ये लॉन्च होने वाली थी, पुरानी ब्रेजा हमारे रिलेटिव्स के पास है, हमने देखा था, बट ये लॉन्च होने वाली थी तो हमने एक तरह से डिसाइड तो कर लिया था कि ब्रेजा पे ही जाएंगे। तो लॉन्च होने से पहले मैंने एडवांस में उनको बुकिंग के लिए बोल दिया था और जिस दिन ये लॉन्च हुई उनका फोन आ गया और उन्होंने ZXi की बुकिंग कर दी। बट प्राइस होते ही मैंने कहा मेरे बजट में नहीं है, मेरे को चाहिए LXi। अच्छा। तो LXi ये नोएडा की सेकंड LXi डिलीवर्ड गाड़ी हमको मिली थी। अच्छा। हाँ हमको 1.5 महीने का वेट भी करना पड़ा बट LXi की प्रोडक्शन बहुत कम थी एज पर देम, 7वीं 8वीं टोटल गाड़ी थी और सेकंड LXi हमको मिली। नेक्सॉन भी हमारे उसमें थी लेकिन उससे पहले मैंने एक टियागो चला के देखी थी, एक डेढ़ घंटा चलाने के बाद जब मैंने वो वैगनर चलाई ना अपनी, मेरे को ऐसा लगा यार मतलब टाटा का तो ट्रैक्टर ही अच्छा है यार। अच्छा हाँ बट ठीक है, टाटा ओनर्स को वो नहीं ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा, बट उनके जो गियर शिफ्टिंग क्लच और जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आता है ना उसके बाद जब आप मारुति चलाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये गाड़ियां लोग क्यों प्रेफर करते हैं और क्यों इनकी इतनी बिकती है। लॉन्ग रन में मेरे को अच्छा फील होना चाहिए, वो गाड़ी चाहिए थी मेरे। फिर वही वैगनर वाला हिसाब किताब हो जाता, 3 सिलेंडर और वो सब आवाज वो नहीं चाहिए था, इसलिए फिर मैंने ब्रेजा उठा ली। गाड़ी बहुत कम चलाते हो इसलिए आपका बजट 10 से नीचे रखा, क्या रीजन था उसका? बजट 10 का था, पुरानी ब्रेजा का ZXi मेरे बजट में भी था, उसका सब कुछ ठीक ठाक था। ये लॉन्च हुई मेरे को लग रहा कि चलो सनरूफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 20-30 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा बनते, लेकिन ये 1086 पे आ रही थी, मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। ठीक है अगर फीचर्स को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो कर जाएगी ZXi, लेकिन ऐसे फीचर थे जो मेरे को नहीं चाहिए थे।
अच्छा, मेरे को लगा सेम इंजन, सेम स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, चलने में भी सेम, साइज भी सेम गाड़ी का, 3 लाख रुपए सेम गाड़ी के देना मेरे को उन फीचर पे वर्थ नहीं लगा। अब वो 5-6 thousand में पर मंथ एक्स्ट्रा पॉकेट से खड़ी गाड़ी के दूंगा, अच्छा पेट्रोल भरवा के चला लूंगा। सही बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात बोली। और जैसे 8 लाख की आपको ये गाड़ी मिली है ना, आप अभी इसको बेचने जाओगे तो 8 से ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि 30-40 हजार बढ़ चुके हैं। बिल्कुल 9.5 के आसपास की आपको ऑन रोड पड़ती है। वैगनआर से एवरेज में कितना डिफरेंस है, उतना ही रनिंग कॉस्ट आ रहा है? वैगनआर मेरे को महंगी पड़ती थी। क्या बात कर रहे हो। मेरा स्टाइल जो है ना ड्राइविंग का, इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं, लेकिन मेरे को इनिशियल पिकअप इतनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी 5 गियर पे पहुंच जाऊं। अच्छा। उसमें जब वो करने जाता था ना, मैं सिटी में हद मार के 13.5-14 तक ले पाता था। अच्छा। और वैसे मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ गाड़ी, हाईवे पे वो 16 निकालती थी, अभी हाईवे पे मेरे को 18.5 टैंक टू टैंक दे रही है, सिटी में 17 दे रही है टैंक टू टैंक। वैगनआर से कम कॉस्ट में मेरे को ये पड़ रही है। प्यार से चलाते हो आप, तभी आपको मिल रही है। इनिशियल में मेरे को बस 5 वगैरह जल्दी लग जाए। हाँ। उसके बाद आराम से। इंजन थोड़ा बड़ा है, कम स्पीड में 5वां भी झेल जाता है, जो कि वैगनआर के साथ मुश्किल था। मुश्किल था। सिलेंडर है, वाइब्रेट करती होगी। सेकंड गियर पे आते ही ना उमर जाती थी। वैसे आपको सीएनजी की तो कोई जरूरत नहीं, नहीं क्योंकि रनिंग तो कुछ है ही नहीं, 5000 का बूट स्पेस मैटर करता है सर। बूट स्पेस। कैसा यूज है आपका गाड़ी का, क्या करते हो आप, गोलगप्पे खाने जाते हो? देखिए फैमिली है तो हाँ। वो सब तो चलता ही रहता है। हाँ। नॉर्मली 3-4 दिन ऑफिस और वीकेंड पे थोड़ा बहुत ट्रिप, अगर वीकेंड में तो शाम को थोड़ा मूड किया तो बच्चों को बिठाया और 8-10 किलोमीटर अपने हाईवेज काफी ठीक ठाक है, या फिर घर जाने के लिए, या नॉर्मल 250-300 किलोमीटर का कोई ट्रिप हो गया तो। गाड़ी आपको परफेक्ट लगी खरीदने के बाद, ये 3800 किलोमीटर चलाने के बाद अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस? अभी तक का बिल्कुल परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट। कमियां बताओ। इंटीरियर क्वालिटी, चाबी हेडरेस्ट नहीं दिए पीछे। बट आपने बेस मॉडल लिया है। बेस मॉडल लिया है। तो उसकी शिकायत नहीं कर सकते। उसकी टॉप मॉडल में भी उतनी खास चाबी नहीं आती, मैं आपको बता दूं, जैसे एस क्रॉस की आती थी ना पहले, राइट, वैसी चाबी होनी चाहिए। इंटीरियर में क्या दिक्कत लगी आपको क्वालिटी में? वैगनआर देखूं 4-4.5 लाख की गाड़ी थी उस टाइम पे, और फिर मैं 8 लाख पे अपग्रेड कर रहा हूँ। प्लास्टिक क्वालिटी में मेरे को ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मतलब मारुति में इन्होंने 20 साल हो गए, आई थिंक 20-25 साल हो गए, इनको रिचनेस के नाम पे ना एक सिल्वर एलिमेंट के अलावा ये कुछ नहीं देना जानते। ह्यूंडई के इंटीरियर्स देखो आप, किया के इंटीरियर कुछ सीख लेना चाहिए, इनफैक्ट टाटा से भी कुछ सीख सकते हैं लोग। बट ठीक है, 8 लाख में इससे ज्यादा मतलब आपका एक्सटीरियर इससे अच्छा कोई नहीं दे सकता, तो सब कुछ तो नहीं मिलेगा, ये मेरे को पता था। चाबी ऐसी मिलती है इसमें। देखो इंटीरियर में इन्होंने बिल्कुल टॉप मॉडल के जैसा बना दिया है, आप इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि टॉप मॉडल का है। स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल मिलेंगे, फोन को पिकअप करने वाले कंट्रोल भी इधर हैं, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स भी हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये खाली दिखाने के लिए, सिर्फ मीडिया के काम करते हैं ना सर? हाँ जी। बाकी इन्होंने जो है आर्मरेस्ट लगाई है, इसकी कॉस्ट अभी थोड़ी देर में इनसे पूछ लेंगे। उसके साथ साथ जो है सीट कवर की क्वालिटी भी अच्छी है। इधर देखिए आप, इसमें ना हेडरेस्ट नहीं आते थे, हेडरेस्ट लगाए हैं इन्होंने, बट यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं लगवाया, क्यों नहीं लगाया ये भी पूछेंगे अभी। तो अब गाड़ी को चलाते चलाते बात करते हैं, गाड़ी काफी साइलेंट है। 85,000 का खर्चा आपको वर्थ लग रहा है इसके ऊपर? अगर मैं आपको बोलूं कि आप इससे अच्छा VXI ले लेते। देखो सर, वो मैंने सोचा था उसके बारे में। हाँ। और VXI का प्राइस था 1.5 लाख रुपए ऊपर, अराउंड 150 और 160 मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। उसमें क्या मेरे को मिल रहा था, एक इंफोटेनमेंट मिल रहा था, एक मेरे को हाइट एडजस्टेबल सीट मिल रही थी, और पीछे के हेडरेस्ट मिल रहे थे। इसके अलावा उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा, 1.5-2 लाख रुपए में उस पर एक्स्ट्रा जाऊँ। 85,000 में मेरे को इंक्लूडिंग फूट मैट, इंक्लूडिंग पार्सल ट्रे, और मेरी ZXI जैसा मेरे को लुक आ गया, और जो मेरे यूजेबल फीचर थे सारे आ गए। हाइट एडजस्टेबल सीट की मेरे को जरूरत लगी नहीं, मेरी एवरेज हाइट के अकॉर्डिंग बोनट अभी भी मेरे को पूरा दिख रहा है, और लेडीज को ये गाड़ी चलानी नहीं है मतलब। तो VXI वर्थ नहीं लगी, ZXI इसका वर्थ है। बेटा आपको सनरूफ वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी? एक बार मन करा था फ्रेंड किया। इसको सनरूफ की गाड़ी चाहिए थी, अभी हमने सोनेट की टेस्ट ड्राइव भी ली, बट इनको फिर अंदर से वो पसंद नहीं आई, क्योंकि अच्छा। उसमें स्पेस इतना नहीं मिल रहा था। हाँ ये तो है। अच्छा ये आर्मरेस्ट आपने कितने का लगवाया? सर ये अराउंड 3200 का मेरे को पड़ा। पीछे वाला आर्मरेस्ट क्यों नहीं लगवाया आपने, हेडरेस्ट तो लगवा दिया पीछे की सीट में? हाँ एक्चुअली उसकी ये सारा काम मैंने मतलब आफ्टर मार्केट करवाया है, कंपनी से नहीं हुआ ये हेडरेस्ट वगैरह। तो वो सीट एक तो मेरे को 10-12 हजार रुपए मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही थी, और उसमें 3 बंदे जब बैठने जाएंगे तो फिर वो अखरता है बेसिकली। ये सीट आपकी प्लेन रहेगी तो इसमें 5 आराम से बैठ सकते हो, 10-12 हजार एक्स्ट्रा खर्चने के बाद आप 2 ही बंदों के लिए सीट छोड़ो तो इतना फैशन अपने को नहीं चाहिए था बॉस। बाकी सही है, गाड़ी चलती तो सही है, हमने कई बार आपको बताया काफी साइलेंट इंजन है, और 8 लाख में ये इंजन आपको मिला है।
भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। कंपनी लीज में ही कितने साल में चेंज करनी पड़ेगी आपको? चेंज करना कोई नेसेसरी नहीं है, 4 साल बाद मैं अपने नाम पे करवा के रख सकता हूँ इसको। अच्छा हाँ, अगर दूसरी गाड़ी उठानी है तो कंपनी कहते हैं कि आप पहले अपनी वाली को ट्रांसफर करवाओ हमारे यहाँ से, उसके बाद आप दूसरी उठा सकते हो। लंबा खींचो फिर इसको, बिल्कुल क्या जरूरत है इतनी परफेक्ट गाड़ी चलाना जब आपको है ही नहीं। चलाना नॉर्मल रहेगा अपना 300-500 किलोमीटर मंथली। स्टीयरिंग कितने का लगवाया आपने? देखो सर, वैसे इसकी जेन्युइनली कॉस्ट आती है 4500, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये ब्रेजा लॉन्च हुई थी उस टाइम पे कुछ लोगों की मोनोपोली थी और कुछ ने एक्स्ट्रा चार्ज करके मेरे को 8000 का लगाया। ये 8000 हाँ, इंक्लूडिंग हब एंड ऑल जो है, बट ये 45 में लग जाता है, मैंने बाद में कंफर्म किया था, तभी मैं कह रहा हूँ। 85000 वैसे तो वर्थ था लगाना, लेकिन 15-20 हजार रुपए मैंने एक्स्ट्रा ना समझी की वजह से मान लो दे दिए इसमें। जल्दीबाजी से कह सकते हो? जल्दीबाजी से दे दिए। तो इसमें पता है सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, जो इसका फील आता है ना बैठने के बाद, और ये जो बोनेट वगैरह दिखता है वैगनआर के बाद, इसमें बैठने में तो आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। राइट, स्टार्टिंग में मुश्किल भी फील हुई थी चलाने में। क्यों? बड़ी बड़ी लग रही थी, डर लग रहा था ये संभल भी जाएगी गाड़ी है नहीं। शांति के साथ आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, रिलायबल ये गाड़ी है, बार बार आपको सर्विस सेंटर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। साल में एक बार सर्विस करवाओ और साल भर गाड़ी को घर पे चुपचाप खड़ी रखो, छोटे मोटे कामों में यूज करो, और 5-6 साल बाद बेचने का मन करे तो अच्छी रिसेल वैल्यू मिल जाती है। एक जॉब क्लास को यही चाहिए, उसको गाड़ी में ना तो टाइम स्पेंड करना है ना ही फालतू पैसे खर्च करने हैं। मैं सही बोल रहा हूँ क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही सब मेरे क्राइटेरियाज थे जब मैंने गाड़ी सिलेक्ट करी। और कुछ लोग कहते भी यार लेने तो गया था, ZXi ले लेता, सनरूफ ले लेता, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट मेरे को ही बियर करनी है। सही बात है, आपने जब गाड़ी यूज ही नहीं करनी है तो उन फीचर्स का फायदा क्या है? जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है ना, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। अब कई ऐसे बंदे होते हैं कि यार हमें तो गाड़ी चलाने का शौक है, हमने ब्रेजा ले ली है, वहां पर उनके डिसीजन गलत होते हैं। गाड़ी चलाने का शौक है तो ऐसी गाड़ी ले जिसको चलाने में कुछ ज्यादा ही मजा आए, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, इसके साथ है ना आप थोड़ा फन कर सकते हो, क्योंकि हाई आरपीएम पे मैं ज्यादा खींचता नहीं हूँ, लेकिन एक दो बार जब मैंने पंजा दबाया है ना तो ये बावली सी हो जाती है गाड़ी। और वो आपके पॉकेट पे भी इतना हैवी नहीं पड़ता, क्योंकि माइलेज में इतना ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। फोर्थ गियर पे मान लो आपने थोड़ा हाई आरपीएम कर दिया तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है, और इससे ज्यादा अपने को चाहिए नहीं था। ये आपकी तरफ से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस अलग लेवल की होती है, पावर अलग लेवल की होती है। बिल्कुल, हाईवे पे उनका फिर आपके जैसे रिव्यूज भी पढ़े हैं मैंने, और जो लोग चलाते हैं, जैसे अगर XUV 300 की बात करें तो उस लेवल की तो फिर ये गाड़ी तो नहीं है आपके लिए। ये फैमिली कार है। एसी वैसी बढ़िया काम कर रहा है? एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फुल पे तो मैंने आज तक, मतलब एक गर्मी का सीजन भी ऑलमोस्ट ये जैसे चली रहा है, मतलब ठंड लगने लगी। अभी मैंने किया है, ठीक है, इनका यहाँ पर था, हाँ मैंने किया अभी, तो मतलब एसी मेरे को तो कोई वो नहीं लगा इसमें, कोई भी फॉल्ट है या कोई कूलिंग कम है, तो मैं तो वैगनआर के एसी से भी ठीक खुशी था मतलब, लेकिन उसमें थोड़ा देर ज्यादा लगती थी। वैगनआर से कंपेयर नहीं करना चाहिए इस गाड़ी को, बट इनकी पहली गाड़ी वैगनआर थी, उसके बाद ये ब्रेजा में आए, क्योंकि अपग्रेड तो मांगता ही है 7 साल छोटी गाड़ी चला के, तो हाईवे में कैसा फील होता है? देखो स्टेबिलिटी वाइज मैं कहूंगा कि जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि वैगनआर का अगर इंजन छोटा था तो उसका वेट भी बहुत कम था, तो रिस्पॉन्स उसका भी 80-100 पे आप उसको आराम से खींच सकते थे, ये चिपक के चलते है रोड पे ज्यादा, तो उस मामले में ये बहुत बेटर है उससे। लेकिन एक बात और बताऊंगा, अगर अब वैगनआर चलाओगे ना, अब आपको पता लगेगा कि वो कितनी आपको झुलाती है रोड। कितना रिस्क था उसको चलाने में, कहने का मतलब ये है डर लग जाता था एक दो बार। मतलब अगर आप तरीके से चलाते हो तो वैगनआर भी कोई माड़ी कार नहीं है। अब मेरे को तो जैसे एक मोबाइल भी लेना होता तो मैं यूट्यूब पे अच्छी तरह छांग बींग करके अपने सारे पैरामीटर कंपेयर करके आप क्या सब लेता करते हैं? मैं भी खूब करता हूं। फिर ये तो गाड़ी लेनी थी, और थोड़ा सा बड़ा डिसीजन है, गाड़ी बंदा 5-6 साल या 10 साल में एक बार चेंज करता है, तो फिर आपके वीडियोज भी देखे, तो फिर मेरे को वो सब चीजें कंबाइन करके मैंने सोचा कि पैसे इस पे खर्चना वैलिड है। अगर हम बलिनो के टॉप मॉडल पे उन पे जाएं तो मेरे को ब्रेजा इज वॉज गुड, क्योंकि 4 स्टार इसकी अपनी पुरानी ब्रेजा की सेफ्टी रेटिंग भी थी, और उससे जब ये लॉन्च हुई थी लोगों का फीडबैक आया कि जो थर्ड साउंड एंड ऑल इन्होंने इम्प्रूव किया है, और फिर मैंने जब जाके देखी तो मेरे को लगा कि यार ठीक है यार, 4 स्टार रेटिंग भी मिल गई अपने को, सॉलिड जो फीलिंग आनी वो भी अपने को मिल गई है, और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी भी लगती है, बूट स्पेस भी एनफ मिल गया है, तो फिर मेरे को ये ऑलमोस्ट परफेक्ट गाड़ी लगी। मतलब बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत सही डिसीजन, सही जगह पे पैसे लगे हैं आपके। अगर आपकी भी इसी टाइप की रिक्वायरमेंट है तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है 10 लाख से नीचे नीचे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच। ओके।